आज मीडिया पर जिस सनसनीखेज खबर का राज रहा वो आज अखबार सुबह जंग में शाया हुई जो उसके मुमताज सहाफी अंसार अब्बासी ने तहरीर की थी। इसमें इंकशाफ किया गया कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राणा शमीम ने अपने हल्फिया बयान में इल्जाम आयद किया है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार जुलाई 2018 में दौरे गिलगित पर आए जहां उन्होंने हाईकोर्ट के एक जज को फोन पर अहकाम दिए थे कि आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रहा न किया जाए। मुबैना बयान सामने आया और उसके साथ ही जैसा कि होना चाहिए था ये इसने पूरे मीडिया में सनसनी फैला दी। आज इस अखबार का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह ने नोटिस ले लिया और आज ही इस सहाफी के खिलाफ यानी अंसार अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया है। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राणा शमीम को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है। साथ ही अखबार के मालिक और एडिटर समेत अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तमाम फरीकैन को कल 10 बजे जाती हैसियत में तलब भी किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इस मामले को बहुत संजीदा लेगी। अपने हुक्मनामे में अदालत ने लिखा कि बादी नजर में मुतनाज़ खबर लगाने का मकसद अदालत से अवाम का एतबाद खत्म करना और अदालत को स्कैंडलाइज करना है। बयान हल्फी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। खबर का मकसद अदालती कार्रवाई को मुतनाज़ बनाना है। सारे मामले पर आज नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एक जज के हल्फिया बयान को और जो सामने आ चुका है इस सच झूठ का फैसला किस फोरम पर होगा। जब मुल्क का चीफ जस्टिस ऐसे, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे उसमें ना मुलव्वस हो, लेकिन जब चीफ जस्टिस मुल्क का ये काम करेगा फिर कौन सा इंसाफ रह गया। आज चीफ जस्टिस मुलव्वस है मुल्क का, दूसरा चीफ जस्टिस कह रहा है, एक सिटिंग जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नाम आया है, क्या हम इसको मामूली बात समझ कर भूल जाए। जब इस मुल्क का सबसे बड़ा जज मुदाखलत करके ये कोशिश करेगा कि उस शख्स की बेल तक ना हो सके तो फिर आप ये सोच लें कि जो जज बशीर मोहम्मद था वो उसने फैसला कैसे किया होगा। हमारा सवाल ये है कि हमें तो राणा शमीम साहब की बात पे यकीन करना पड़ेगा। एक आदमी ने हलफ के तहत बयान दे दिया है, अब कौन सा फोरम है जहाँ पर ये सच का तयन किया जाएगा, हम तो ये पूछना चाहते हैं। तो कौन सा फोरम है, क्या ये बात पार्लियमान में नहीं आनी चाहिए। पार्लियमान ही इन जजों को मुकर्रर करता है, या पार्लियमान पूछ नहीं सकता कि ये मामला क्यों हुआ, किसने किया। दूसरी जाने विफाकी वजीर इत्तला और नशरियात जनाब फवाद चौधरी ने जस्टिस राणा शमीम की साख पर सवाल उठाए। आज जो खबर लगी जिस तरीके से, और ये जो जिनका जज साहब जिनका एफिडेविट दिया गया, गिलगित बल्तिस्तान के जो बार एसोसिएशन है आप उनसे इनकी रेपुटेशन पूछेंगे तो आपको मालूम होगा कि मौसूफ जो हैं वो पहले सिंध हाई कोर्ट में उनको जज लगाया गया और वहां पे वो चंद महीने जज रहे, उसके बाद इनको सैक कर दिया गया। उसके बाद नून लीग ने इनको जाके गिलगित बल्तिस्तान में जज लगा दिया। आप अंदाजा लगाए कि ये साहिवाल के रहने वाले हैं, फिर ये इन्होंने सिंध में प्रैक्टिस की और उसके बाद उनको गिलगित बल्तिस्तान में जाकर के नून लीग ने 2015 में इनको अपना जाके वहां पे जज लगा दिया। और यही मुसीबत होती है कि जब इस तरह के लोग जज अपॉइंट किए जाएं और बाद में वो, आप देखिए कितना मतलब मजहका खेज शगुफा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो मेरे पास आए, हम चाय पी रहे थे, अचानक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख्याल आया, उन्होंने फोन उठाया और कहा कि जी ये फलाने जज को फोन कर। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राणा शमीम ने इस खबर के मुताबिक ओथ कमिश्नर के रूबरू जो कि लंदन में था 10 नवंबर को बयान दिया, हल्फिया बयान दिया और कहा, जिसमें कहा गया कि जुलाई 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार तातीलात पर अपनी फैमिली के हमरा गिलगित आए थे। एक दिन उनके सामने चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने रजिस्ट्रार को एक हाईकोर्ट के घर के जज के घर जाने की हिदायत दी और कहा कि जज को कहना मुझे फौरन फोन करें, अगर फोन न लग पाए तो उन तक पैगाम पहुंचाओ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को किसी भी कीमत पर आम इंतखाबात से कबल जमानत पर रिहा नहीं होना चाहिए। इस हिदायत के थोड़ी देर बाद जस्टिस राणा शमीम के बकौल उनकी मौजूदगी में हाईकोर्ट के उसी जज से फोन पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात हुई साकिब निसार की, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को इंतखाबात के इनेकाद तक जेल में रखना चाहिए। जस्टिस राणा शमीम ने अपने इस एफिडेविट में ये भी कहा कि जब उन्होंने साकिब निसार से सवाल किया कि ये जज को पैगाम क्यों और किस लिए पहुंचाया गया है तो जैसे साकिब निसार ने उनसे कहा कि आप नहीं समझेंगे, आप इस बात को यूं समझें कि जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं है। अपने रद्दअमल में जैसे साकिब निसार ने इन इल्जाम को सरासर झूठ करार दिया है और इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राणा शमीम के कई फैसले का नदम करार दिए, उन्हें एक्सटेंशन ना मिलने का
गुस्सा है। ये पूरी सूरत हाल का नोटिस लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि इसी एफिडेविट के मुताबिक जो मामला है, जिस जज साहब को नोटिस दिया गया वो खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, जो कि समाअत कर रहा है इस वक्त मरियम नवाज के केसेस के हवाले से। इसलिए इसकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन जज साहब के हवाले से ये बात सामने आई है कि चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें हुक्म दिया, वो इस वक्त दरअसल इस अहम केस की समाअत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना यह है, आज जैसे कि आपने सुना चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं कि अदालत को स्कैंडलाइज करने का की कोशिश की गई है, और इसके साथ ही तौहीर अदालत का नोटिस जो है वो सर्व किया गया है अखबार को और सहाफी पर भी। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुसूसी आमिर सईद अब्बासी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। ये बताइएगा, बहुत बरहम हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस खबर पर, और क्या आज रहा इस हवाले से और अब क्या कार्रवाई होगी? कामिन साहब, आफ्टरनून में जब इसके ऊपर रजिस्ट्रार ने नोट पुट अप किया चीफ जस्टिस को, और ये बताया कि जो खबर शाया हुई है ये बराह रास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो जेर समात केस है, जो मरियम नवाज की सजा के खिलाफ अपील है, उससे मुतालिक है, और उसमें जो एलिगेशंस हैं ये आयद किए गए। इसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बाकायदा तौर पर इस केस को फिक्स किया, पहले कॉज लिस्ट बाकायदा चिस्पा की गई और अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया, और जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू की गई। उसके बाद स्टेट वर्सेज अंसार अब्बासी केस कॉल किया गया, और उसके बाद फिर अदालत ने ये शदीद बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि अदालत ये एक्सपेक्ट करती थी कि तमाम जो ऐसे इदारे हैं, जो मीडिया है, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा, क्योंकि बारहा अदालत ये कह चुकी है कि अदालत में जेर समात मुकदमात से मुतालिक जो ऐसे बयानात जिससे अदालती कार्रवाई असरअंदाज हो वो नहीं देने चाहिए। और इस हवाले से दो वफाकी वुजरा को बाकायदा अदालत ने तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए थे जब नवाज शरीफ बैरून मुल्क गए थे, और ये कहा गया था कि अदालत ने जल्दबाजी में उनको बैरून मुल्क भेजा। तो साबिक जो वजीर थे उस वक्त एविएशन के गुलाम सरवर खान और फिरदौस आशे कमान, इन दोनों को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी हुए थे। आज भी चीफ जस्टिस ने उनका हवाला दिया और यह कहा कि ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती कि अदालत में जेर समात जो अपील है उसके ऊपर बात कर दी जाए, एक एफिडेविट दे दिया जाए जो अदालत में अभी तक नहीं आया, और उसके ऊपर फिर अखबार इतनी बड़ी खबर भी कर दे, और यूं ये तमाम तर जो अखबार की जो खबर है वो बराह रास्त अदालती कार्रवाई को स्कैंडलाइज करने की और अदालत पर तो जो अब क्या किया है उसको खत्म करने की कोशिश है। क्या इसके लिए बाकायदा एक कंटेम्प्ट नोटिस सर्व हो गया है, मतलब अदालत की जानिब से, और ये अब ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी? जी बिल्कुल कामन साहब, इस केस का जो टाइटल रखा गया है स्टेट वर्सेस अंसार अब्बासी एंड अदर्स है, लिहाजा ये एक बाकायदा तौर पर एक तौहीन अदालत का केस बना दिया गया है, और उसकी बाकायदा अब कल से समाअत शुरू हो जाएगी। आज पहली समाअत थी, फरीकैन को नोटिस जारी किए गए, कल सुबह 10:30 बजे उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने की हदायत की गई है, और यह भी पूछा गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दी जाए, क्योंकि इस हवाले से अदीद शदीद बरहम थी अदालत, और अटर्नी जनरल को और एडवोकेट जनरल को भी मुआवनत के लिए अदालत ने तलब कर लिया है। लिहाजा कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस तमाम तर केस की समाअत करेंगे और मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसला करेंगे कि इस केस को अब कैसे आगे बढ़ाना है। अच्छा, क्या जो जस्टिस राणा शमीम है उनको भी नोटिस किया है? जी बिल्कुल, जस्टिस राणा शमीम जो हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है, और उन्हें भी ये कहा गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो भी इस तमाम तर जो कार्रवाई है, जो उनका ये बयान हल्फी है कामरान साहब, वो भी अदालत में नहीं आया, उसकी अभी उसकी जो पूरी हैसियत है वो उसको चेक करना पड़ेगा, और क्योंकि उन्हें अगर ये जो बयान हल्फी है अगर ये अदालत में आता तो उसके बाद इसके ऊपर खबर की जा सकती थी और उसके ऊपर बात की जा सकती थी, लेकिन एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे अदालत में जेर समात जो मरियम नवाज की अपील है एवन फील्ड में, वो पूरी कार्रवाई मुतासर हो सकती है, क्योंकि 17 नवंबर परसों उस अपील की समाअत होनी है, उसमें इरफान कादर साहब को आखिरी मौका दिया गया था कि वो बाकायदा तौर पर अपने दलाइल शुरू कर दें, और उन्हें कहा गया था कि वो इस केस में अब मजीद डिले अदालत नहीं कर सकती, लिहाजा अब ये लगता है कि इस सारी कार्रवाई के बाद वो कार्रवाई मुतासर हो सकती है, क्योंकि अब वो तमाम तर मौके मिलने के बाद अब वो हतमी मरहले में है और वो डिसाइड होने के करीब है अपील, अगर उसमें हतमी दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, हमें आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इंतहाई अहम केस की समाअत के हवाले से बता रहे थे।